Hello everyone, this is Abhishek Mahanti and you are watching Padarth Vigyan. So students, welcome to another lecture of the chapter Electric Potential and Capacitance. The students, previous lecture I discussed about the relation between electric field and electric potential. I derived that the electric field at a given point is given by the negative of potential gradient at that point. That means E is equal to minus dV by dr. तापर आम किसी क्वेश्चन सल्व करते तमें जदि पोटेंशियल कही थी एज ए फंक्शन ऑफ पोजीशन बा एज ए फंक्शन ऑफ एक्स वाई एंड जेड कोऑर्डिनेट देन हाउ टू फाइंड द एक्स कंपोनेंट वाई कंपोनेंट एंड जेड कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट तो आज लेक्चर आम डिस्कस करवा अबाउट ए न्यू टॉपिक द टॉपिक नेम इज इक्विपोटेंशियल सरफेस सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ दिस सरफेस and how to draw the equipotential surface for different type of charge system. So all these things will be discussed in this video. So let's begin. So students, the first question is what is the meaning of equipotential surface? Dekho, ei topic ra name ru jana padi jauchi je equipotential ta mane kon? Equal potential. Equipotential mane equal potential. Surface mane surface. सो जदि गोटे सरफेस उपरे सबु पॉइंटर पोटेंशियल सेम थिबो बा इक्वल थिबो ताको मैं कहिबा इक्विपोटेंशियल सरफेस सपोज इमेजिन करो गोटे सरफेस अच्छी आ सरफेस उपरे जे कोनसी पॉइंट आमे चूज करिबा सबु पॉइंट रे पोटेंशियल सेम अच्छी दैट इज 2 वोल्ट आमे जो भी पॉइंट चेक करिबा सबु पॉइंट रे द पोटेंशियल इज 2 वोल्ट ताको मैं कहिबा इक्विपोटेंशियल सरफेस सो इफ आई राइट द डेफिनेशन ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस पर ताको मैं कहिबी ईपीएस तो सर्टकट में कह ईपीएस ईपीएस मीनिंग कौन इक्विपोटेंशियल सरफेस तर मीनिंग कौन इफ ऑल द पॉइंट्स इफ ऑल द पॉइंट्स ऑन ए सरफेस इफ ऑल द पॉइंट्स ऑन ए सरफेस हैव इक्वल पोटेंशियल हैव इक्वल पोटेंशियल it is said to be an equipotential surface it is said to be an equipotential surface theek achi so again it is very easy to remember this definition eps mane kon ta na re hi tar achi definition achi ta mane jodi gote surface upar sabu point ro potential same thibo taku ame kahiba equipotential surface theek achi suppose imagine kara emdi surface achi तो सरफेस उपरे मु जेकोनसी पॉइंट रे जदि बाहर करी पोटेंशियल सपोज द आंसर इज 2 वोल्ट सब पॉइंट रे आमे 2 वोल्ट रो पोटेंशियल पाउचे ठीक अछि त आको मे कहिबा ईपीएस बा इक्विपोटेंशियल सरफेस तो एबे मे डिस्कस करिबा सम ऑफ द इंपोर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ ईपीएस प्रॉपर्टीज ऑफ ईपीएस जेम त मे डिस्कस करले अबाउट द प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ठीक सेमती आम डिस्कस करिबा अबाउट द प्रॉपर्टीज ऑफ ईपीएस तो देखो फास्ट प्रॉपर्टी कौन कहूँ द फास्ट प्रॉपर्टी इज नो वर्क इज डन बा नो वर्क इज रिक्वायर्ड टू मूव ए चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट from one point to another point on an EPS तमने जदि आम गोटे चार्ज नौचे से चार्ज को हमें मूव करवा फ्रम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट ऑन एन ईपीएस तले किसी भी वर्क दरकार ना नो वर्क विल बी डन कहीं दरकार ना देख आम जानचे जदि आम गोटे चार्ज को मूव करूचे फ्रम पॉइंट ए टू पॉइंट बी एंड सपोज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दिस टू पॉइंट्स इज डेल्टा वी ताले वर्क केते हबो वर्क इज इक्वल टू क्यू इंटू डेल्टा वी ठीक अच्छे जिते बड़े आम गोटे चार्ज को गोटे पॉइंट रू आ गोटे पॉइंट को मूव करूचे एंड जदि से दुईटा पॉइंट भितर पोटेंशियल डिफरेंस डेल्टा वी अच्छी आम क्यू अमाउंट चार्ज को मूव करूचे तो से केस वर्क डन के आसो चार्ज इंटु पोटेंशियल डिफरेंस बा क्यू इंटु डेल्टा वी तो एवं कौन डिस्कस कले ईपीएस उपरे सबु पॉइंट रो पोटेंशियल सेम त माने देयर इज नो पोटेंशियल डिफरेंस मन रखेडी ऑन एन ईपीएस डेल्टा वी केते जीरो हो जीवो
कहीं डेल्टा भी मैंने कौन चेंज ऑफ पोटेंशियल बट जदि आम ईपीएस वार्ड यूज करुचे मैंने कौन सब पॉइंट रे पोटेंशियल सेम अच्छे तमें डेल्टा भी जीरो हो जदि डेल्टा भी जीरो है कौन हम वार्क भी कथा जीरो हम हेन्स डब्ल्यू इक्वाल टू क्यू इन टू जीरो डेल्टा भी जीरो पकईदे तो कैसे आंसर जीरो होने जदि आम गोटे चार्ज को मूव करूचे फ्रम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट ऑन एन ईपीएस नो वर्क विल बी डन बा नो वर्क इज रिक्वायर्ड दिस इज द फर्स्ट प्रॉपर्टी सेकेंड प्रॉपर्टी कौन कहूँ सेकेंड प्रॉपर्टी यह कहूँ जे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स आर ऑलवेज परपेंडिकुलर टू ईपीएस ऑलवेज परपेंडिकुलर टू ईपीएस ठीक अच्छे तो मैंने सेकेंड प्रॉपर्टी स्टेट्स दैट द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स बा इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स आर ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ एन ईपीएस कहीं तर रीजन कौन देख इमाजिन कर आम पाखे गोटे सरफेस अच्छी ह्विच हैज इक्वल पोटेंशियल एट एवरी पॉइंट एमती सरफेस अच्छी आपको आम कहे ईपीएस कहे ठीक अच्छे तो सेकेंड प्रॉपर्टी कौन कौन ना इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन मस्ट बी परपेंडिकुलर तम मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइनटा एमती रोब इट मस्ट बी परपेंडिकुलर टू द ईपीएस तो आर कारण कौन व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस जदि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइनटा परपेंडिकुलर न होकि टिके टिल्ट ठीक रे इनक्लाइंड ठीक रोब ताले प्रॉब्लम कौन हम देख तो जदि इमाजिन कर सपोज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइनटा परपेंडिकुलर न होकि टिके इनक्लाइंड ठीक रहा लाइक दिस तो एबे कौन हम देख ये जो इलेक्ट्रिक फील्डटा सरफेस सहित मनकर थीटा एंगल करुचे कते एंगल करुचे थीटा एंगल करुचे ओके तो एबे जदि आमे ए इलेक्ट्रिक फील्ड को रिजल्व करिबा आमे पाइबा ए कंपोनेंट ई कॉस थीटा अलोंग द सरफेस एंड ए कंपोनेंट ई साइन थीटा परपेंडिकुलर टू द सरफेस ठीक अच्छे जेहेतु इलेक्ट्रिक फील्डटा किसी एंगल करुचे विथ द ईपीएस तो जदि आमे ताकु रिजल्व करिबा देन आमे पाइबा ई कॉस थीटा कंपोनेंट along the surface and e sin theta component perpendicular to surface so now just focus on the e cos theta component jo component achi e cos theta which is along the surface to ebe kon hobo jehetu gode electric field ra component rahuchi ta mane the charges on the surface they will experience a force thik achi jo apre jo charge thi mane kor gode q not amount of charge achi on this eps to ei jo charge upare gode force padibo कहीं फोर्स पड़ो जेहेतु इलेक्ट्रिक फील्डर कंपोनेंट रोचे तमाने गोटे फोर्स पड़ो अच्छा तो ये जो फोर्स पे कौन हम ना चार्जटा डिस्प्लेस हे एंड दैट्स व्वे सम वर्क विल बी डन ऑन द चार्ज बट आम कौन कहे आम फास्ट प्रॉपर्टी कौन पढ़ले जे ईपीएस आम जब गोटे चार्ज को मूव करुचे फ्रम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट देन देर इज नो वर्क रिक्वेयर्ड सहित आम आउ गोटे और भी प्रूफ कर पार्बा देख जमी आम पढ़ते प्रीवियस लेक्चर में पढ़ते जे इलेक्ट्रिक फील्ड केते होची ना इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू माइनस ऑफ डीवी बाय डीआर ठीक अच्छे ताले ऑन एन ईपीएस गोटे ईपीएस उपरे डीवी केते डीवी तो जीरो हो ना बिकॉज ऑल द पॉइंट्स ऑफ सेम पोटेंशियल यदि डीवी जीरो हो गला ता माने ईपीएस उपरे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जीवो ठीक अच्छे ता माने इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द सरफेस शुड बी जीरो ठीक अच्छे तो आमे देखले कौन ना जदि इलेक्ट्रिक फील्डटा इनक्लाइंड होकर रोचे आम इ कॉस थीटा कंपोनेंट पाचे जोटा हो नॉन जीरो कंपोनेंट बट एज पर द डेफिनेशन आम कौन जानक पाचे ना इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द सरफेस बा अलोंग द सरफेस शुड बी जीरो बट जदि आम टाइप्र केस नवा जदि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइनटा इनक्लाइंड होकर रेन आम गोटे नॉन जीरो कंपोनेंट पाचे जोटा हूँ इ कॉस थीटा ठीक अच्छे तमाने दिस इज ए कंट्राडिक्शन तो यहाँ को आम कमी ठीक करवा ना वी हैव टू रिमेम्बर दैट ई कॉस थीटा मस्ट बी जीरो जेहेतु सरफेस उपरे पोटेंशियल ग्रेडियंट जीरो हो जाउची ताले ई कॉस थीटा शुड बी जीरो आ ई कॉस थीटा केतले जीरो हबो जदि कॉस थीटा हबो जीरो आ कॉस थीटा केतले जीरो हबो जदि थीटा केता हबो पाई बाय 2 बा 90 डिग्री ता माने द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन मस्ट बी परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ एन ईपीएस ठीक अच्छे जदि से किसी अलग एंगल कर अदर दे 90 डिग्री देन वी कैन हैव सम कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग द सरफेस इट मीन्स सम वर्क विल बी डन
to move a charge from one point to another point. But this is not the definition of EPS. So that's why remember that electric field lines are always perpendicular to the surface of an EPS. So this is the second property. So now we will discuss about the third property. Third property kon kouchi? Two equipotential surfaces never intersect each other. जेमते में पढ़ते जे टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स नेवर इंटरसेक्ट इच अदर ठीक से भाई टू इक्विपोटेंशियल सरफेसेस नेवर इंटरसेक्ट इच अदर बा नेवर क्रॉस इच अदर कहीं तो रिजन कौन से सेम रिजन देख मन कर इमाजिन कर यहाँ हूँ गोटे ईपीएस आम कौन कही गोटे ईपीएस आम जो भी पॉइंट नवा सब पॉइंटर पोटेनसीयल सेम हम मन कर मुझे गोटे ईपीएस ड्र कर ड्र कली आ ईपीएस रु पॉइंट पोटेनसीयल के सपोज 5 वोल्ट होते हो 5 वोल्ट एंड मु आउ गोटे ईपीएस ड्र करी सपोज एमती ड्र करी एंड दिस ईपीएस हैज पोटेनसीयल लेट अस से 7 वोल्ट तमें यही आम जो ग्रीन कलर ईपीएस ड्र कले तार सब पॉइंट उपर पोटेनसीयल के 7 वोल्ट हो सो द थर्ड प्रॉपर्टी स्टेट्स दैट द टू ईपीएस विल नेवर इंटरसेक्ट इच अदर बट जदि से इंटरसेक्ट करेंगे तो प्रोब्लेम कौन हम देख इफ द इंटरसेक्ट आम जो कमन पॉइंट पाचे सपोज ए इज द कमन पॉइंट दिस पॉइंट ए लाइज ऑन 5 वोल्ट सरफेस एज वेल एज ऑन 7 वोल्ट सरफेस सो इफ आई आस्क यू व्हाट इज द पोटेंशियल ऑफ द पॉइंट ए यू कैन से दैट 5 वोल्ट यू कैन से दैट 7 वोल्ट बट गोटे पर्टिकुलर पॉइंट आम गोटे पर्टिकुलर यूनिक पोटेनसीयल पाइबा ए पर्टिकुलर पॉइंट बा ए गिवेन पॉइंट कैन नॉट हैव टू डिफरेंट वैल्यूज ऑफ पोटेंशियल ठीक अच्छे तो गोटे पर्टिकुलर टाइम पॉइंट ए रो पोटेंशियल 5 वोल्ट आउ 7 वोल्ट हो पार ना ठीक अच्छे आइदर 5 वोल्ट हम ना 7 वोल्ट हम ठीक अच्छे तमें द टू ईपीएस कैन नॉट इंटरसेक्ट इच अदर बिकॉज इफ दे डू इंटरसेक्ट देन एट द कमन पॉइंट वी विल गेट टू डिफरेंट पोटेंशियल्स दैट इज नॉट पॉसिबल दैट्स व्हाई रिमेंबर दैट टू इक्विपोटेंशियल सर्फेसेस नेवर इंटरसेक्ट इच अदर सो दिस इज द थर्ड प्रॉपर्टी नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द फोर्थ प्रॉपर्टी तो फोर्थ प्रॉपर्टी कौन कौन ना द इक्विपोटेंशियल सरफेसेस द इक्विपोटेंशियल सरफेसेस आर क्लोज टू ईच अदर इन द रीजियन ऑफ स्ट्रांग इलेक्ट्रिक फील्ड in the region of strong electric field and wide apart in the region of weak electric field देखो ए प्रॉपर्टी रे मीनिंग कौन एटा भलसे बुझे ट्राए कर से कहे जे आम जिते बड़े ड्र करे ईपीएस फॉर डिफरेंट टाइप ऑफ चार्ज सिस्टम आम गोटे से मार्क करवा कौन ना द इक्विपोटेंशियल सरफेसेस दे आर क्लोज टू इच अदर मैंने पाखापाखि थे कौटी इन द रीजन ऑफ स्ट्रांग इलेक्ट्रिक फील्ड तमें जो रीजन इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग थी एट दैट रीजन द ईपीएस विल बी क्लोज टू इच अदर एंड दे विल बी वाइड अपार्ट बा वाइड सेपरेटेड इन द रीजन ऑफ वीक इलेक्ट्रिक फील्ड तो जो रीजन इलेक्ट्रिक फील्ड वीक थी इन दैट रीजन द ईपीएस विल बी वाइड अपार्ट तमें द डिस्टेंस बिटवीन टू ईपीएस विल बी मोर तो आ पछर रीजन कौन देख आम डिस्कस कर लास्ट क्लास रे जे ई के ई हूँ माइनस ऑफ डीवी बाय डीआर ठीक अच्छे माइनस ऑफ डीवी बाय डीआर तो मन रख सपोज इमाजिन कर यहाँ जो गोटे सरफेस यहाँ हूँ आउ गए सर्फेस आम दुटा सर्फेस ड्र कले जो फास्ट सर्फेस ड्र करे ए फास्ट सर्फेस पोटेनसीयल सपोज भि है एंड सेकेंड सर्फेस भि माइनस डी है ठीक अच्छे सर्फेस वन एटा सर्फेस टू एंड दिस इज द गैप बिटवीन द टू सर्फेसेस आपको आम कह डीआर डीआर मान कौन सेपरेसन बिटवीन द टू सर्फेसेस ठीक अच्छे And if I ask you what is the potential difference between surface 1 and surface 2, the answer will be dV. And surface 2 has less potential than surface 1. ठीक है जी? तो ये दो टा surface भीतर है potential हमें कितने पाऊँ चे difference कितने पाऊँ चे dV पाऊँ चे
एंड द सेपरेशन बिटवीन द टू सर्फेसेस आम कहते पाचे डी आर पाचे ठीक अच्छे। अच्छा तो एबे कौन करवा डी भि सेपरेसन थी डिफरेन्ट सरफेस ड्र करवा ठीक अच्छे। मन कर देख सपोज मुझे कह लेट अस टेक डी भि इक्वल टू 0.5 वोल्ट कहते 0.5 वोल्ट तो मैंने 0.5 वोल्ट डिफरेन्स आम सरफेस को ड्र करवा सपोज वी हाव ए सरफेस हियर एटा हूँ 5 वोल्ट नेक्स्ट सरफेस मुझे ड्र करी व्हिच इज सपोज 4.5 वोल्ट कहते 4.5 वोल्ट सो इट इज ऑब्वियस दैट द डिफरेन्स अफ पोटेनसीआल बिटवीन दिस टू सरफेस के 0.5 वोल्ट है। नेक्स्ट मुझे ड्र करी थर्ड सरफेस हैविंग पोटेनसीआल 4 वोल्ट देख 4.5 - 4 के 0.5 आस देन आई विल ड्र अनदर सरफेस 3.5 वोल्ट ता माने कंजुकेटिव सरफेस यदि देखा तो कंजुकेटिव सरफेस भितर पोटेनसीआल डिफरेन्स के 0.5 वोल्ट आसूँ ठीक अच्छे। तो तुम मार्क कर जदि आम डी को कन्स्टांट करदे ये डी के 0.5 वोल्ट आम कन्स्टांट पोटेनसीआल डिफरेन्स नहीं कि आम यूपीएस ड्र करे तो ये मार्क कर यही फास्ट दुटा सरफेस भितर जी गैप लुक एट द गैप इन द नेक्स्ट टू यूपीएस टी बढ़ी जाऊँ एंड नेक्स्ट टू सरफेस भितर आउ गोटे गैप बढ़ीगला तो मैंने डी आर कौन हो बढ़ी बढ़ी जाऊँ ठीक अच्छे। जदि डी आर बढ़ुचे मैंने कौन से विक् इलेक्ट्रिक फिल्ड आम कौन कहे ये दे आर वाइड अपार्ट इन द रीजन अफ विक् इलेक्ट्रिक फिल्ड एंड दे आर क्लोज टू इच अदर इन द रीजन अफ स्ट्रंग इलेक्ट्रिक फिल्ड देख इच कंजुक्यूटिव सरफेस भितर पोटेनसीआल डिफरेन्स आम के पाचे 0.5 वोल्ट पाचे डी भि इज कन्स्टांट बट डी आर कौन हो कन्स्टांट रोनी चेंज हो कहीं चेंज हो देख आम जो कहे इतने इ हूँ -dV/dr तो इ्र मड के मैंने मैग्नीच्यूड अफ इलेक्ट्रिक फिल्ड के dV/dr इग्नोर द नेगेटिव साइन बिकज आम मैग्नीच्यूड नौचे तो जदि आम डी को फिक्स करदे इफ डी इज कन्स्टांट तो यही केस रे डीवी के 0.5 वोल्ट अच्छी तो जदि आम डी को कन्स्टांट करदे आम कौन देखुचे ये इलेक्ट्रिक फिल्ड इज इक्वल टू सम कन्स्टांट डिवाइडेड बाय डी आर हो बट मुझेपर डी आर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्ट्रेंथ अफ इलेक्ट्रिक फिल्ड डी आर मैंने कौन द सेपरेसन बिटवीन द टू पीएस दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्ट्रेंथ अफ इलेक्ट्रिक फिल्ड तो मैंने जदि इलेक्ट्रिक फिल्ड स्ट्रंग थी डी आर कम आसो इफ इ इज मोर डी आर विल बी लेस इ मोर मैंने कौन जब इलेक्ट्रिक फिल्ड मोर है मैंने यहाँ गोटे स्ट्रंग इलेक्ट्रिक फिल्ड तो स्ट्रंग इलेक्ट्रिक फिल्ड में कौन हम डी आर रैल्यू कमिज मैंने कौन द ईपीएस विल बी क्लोज टू इच अदर आदि आम इलेक्ट्रिक फिल्ड को विक् करदे तेल कौन हम जब इ कमिज डी आर बढ़ीज बिकज दे आर रेसीप्रोकल टू इच अदर जदि इलेक्ट्रिक फिल्ड कमीगला देन डी आर बढ़ीज एंड ह्वाट इज डी आर द सेपरेसन बिटवीन टू ईपीएस तो विक् इलेक्ट्रिक फिल्ड कौन हम सेपरेसन इज मोर एंड इन द रीजन अफ स्ट्रंग इलेक्ट्रिक फिल्ड द सेपरेसन इज लेस ठीक अच्छे। तो देख आम जिते ऊपर उपर को जीवा तो ये कौन हो पोटेनसीआल डिफरेन्सटा सेम रोचे मैंने 5 थी 4.5 है तो 0.5 कमी कमी जाऊँच बट ये जो आसूर सेपरेसन बिटवीन द टू ईपीएस ये बढ़ी बढ़ी जाऊँच कहीं आम मुव करे फ्रम स्ट्रंग इलेक्ट्रिक फिल्ड टू विक् इलेक्ट्रिक फिल्ड रिजन ठीक अच्छे। सो दिस इज ए भेरी इंपोर्टेंट प्रॉपर्टी एटा एग्जाम आसे सो रिमेम्बर प्रॉपर्टी नंबर 4 एंड एक्चुअली ऑल द प्रॉपर्टीज आर वेरी इंपोर्टेंट बट प्रॉपर्टी नंबर 4 इज मोस्ट इंपोर्टेंट आउट ऑफ दिस 4। सो दीज आर द 4 इंपोर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ ईपीएस। तो नेक्स्ट आम कौन करवा आम डिस्कस कले ईपीएस मैंने कौन गोटे सरफेस जहाँ सब पॉइंट पोटेंशियल सेम थी ठीक अच्छे। तो एबे आमे देखिबा जे हाउ टू ड्र ईपीएस फॉर डिफरेंट टाइप ऑफ चार्ज सिस्टम जमी आम डिस्कस करते जे हाउ टू ड्र इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स ड्यू टू ए पॉजिटिव पॉइंट चार्ज ड्यू टू ए नेगेटिव पॉइंट चार्ज ड्यू टू ए डाइपोल ड्यू टू यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड तो ठीक से भाई आम एवं डिस्कस कर हाउ टू ड्र ईपीएस फॉर डिफरेंट टाइप ऑफ चार्ज सिस्टम ता माने गोटे पॉइंट चार्ज पे कौन आसो गोटे डाइपोल पे कौन आसो इफ यू हैव ए पेयर ऑफ पॉजिटिव चार्जेस तापे केमती आसीबो एंड इफ वी हैव यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ताहले केमती आसीबो ईपीएस रो शेपटा। सो लेट्स डिस्कस अबाउट इट। सो एबे आमे फास्ट ड्र करबा द इक्विपोटेंशियल सरफेस फॉर ए पॉइंट चार्ज ठीक अच्छे। सपोज आम पाखरे गोटे पॉजिटिव चार्ज अछि तो से पॉजिटिव पॉइंट चार्ज पे ईपीएस रो शेप केमती आसीबो ता बिषय आमे डिस्कस करबा। तो देखो एडी सपोज इमेजिन कर आम पाखरे गोटे पॉजिटिव चार्ज अछि हैविंग द वैल्यू क्यू तो आमे एबे चार्ज क्यू पे ईपीएस ड्र करबा
तो देख आम जाचे जे गोटे पॉइंट चार्ज पाई पोटेनसीयल फॉर्मूला कौन के इंटु क्यू बाय आर ठीक अच्छे। देख के तो कांस्टेंट आउ आम जो चार्ज नीचे क्यू भी कांस्टेंट बट ये जो आर कौन आर हूँ चेंज हो पार। तो जदि आम इमाजिन करवा गोटे पॉइंट चार्ज अच्छी आउ से पॉइंट चार्ज रु 2 सेंटीमीटर दूर से सपोज इमाजिन कर 2 सेंटीमीटर दूर से जिते सब पॉइंट थे मुझे जॉइन करदेवि ताने चार्ज सारू गोटे गिवेन डिस्टेंस दूर से जो सब पॉइंट थे से सब पॉइंट रे पोटेंशियल तो सेम आसीबो बिकॉज़ जेतु आर को हमें कांस्टेंट कर देले तो ए सब पॉइंट देखो जे सब पॉइंट मु ड्रा करची ऑल दिस पॉइंट्स आर एट इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द चार्ज क्यू तमन ए सब पॉइंट रे पोटेंशियल सेम आसीबो हमें यदि ए पॉइंट रे बाहर करबा जहां आसीबो पोटेंशियल ए पॉइंट रे से आसीबो सब पॉइंट रे सेम आसीबो ठीक अछि। तो जदि मु इमेजिन कर स्पेस रे गोटे चार्ज रखीची आ से चार्ज चारिपटे इक्वल डिस्टेंस रे जो सब पॉइंट से जॉइन कर देबी मु कौन पाइबी मु गोटे स्फीयर पाइबी फिगर रे माने स्क्रीन उपरे जो मु फिगरटा ड्रॉ करछि दैट लुक्स लाइक ए सर्कल बट एक्चुअली मैं इमेजिन करबा 3D इमेजिन करबा तो सपोज गोटे चार्ज चार्ज ये अच्छी तो से चार्ज रु आर डिस्टेंस दूर से मुझे सब पॉइंट थी मुझे जॉइन कर गोटे सरफेस ड्रॉ करी तो मुझे कौन पाइबी मुझे गोटे स्फीयर ठीक अच्छे। ता मैंने मन रखता गोटे पॉइंट चार्ज पाई ईपीएस शेप केमती आसब स्फेरिकल शेप आसो ठीक अच्छे। तो देख ए आर वन रेडियस रे गोटे स्फीयर ड्र कली तो यहाँ हूँ गोटे ईपीएस मुझे एमती जॉइन कर दूसरी पहले क्या सॉलिड लाइन कर दूसरी तो कौन यहाँ हूँ गोटे ईपीएस मन कर द पोटेंशियल ऑफ दि सरफेस इज वी वन ठीक अच्छे। मुझे कौन करी आउ टे अलग ने डिस्टेंस नेबी तो आर टू रेडियस रे पुणी आउ गोटे स्फीयर ड्र करी ठीक अच्छे। आर टू रेडियस रे आउ गोटे स्फीयर ड्र करी तो एबे जो मुझे नुआ स्फीयर पाइली आर टू रेडियस रो तार कत पोटेंशियल हम तार भी टू हो ठीक अच्छे से भी वन रही कहीं भी वन के भी वन बाहर के क्यू बाई आर वन ठीक अच्छे। तो आम आर वन रेडियस ने गोटे स्फीयर ड्र कले से स्फीयर उपर जो सब पॉइंट थी सब पॉइंटर डिस्टेंस फ्रॉम द चार्ज क्यू इज आर वन सो ऑल द पॉइंट्स हैव द पोटेंशियल भी वन बट यदि मुझ आर टू रेडियस नहीं कि आउ गोटे स्फीयर ड्र करी देन ऑल द पॉइंट्स ऑन दैट स्फीयर विल बी एट ए डिस्टेंस आर टू फ्रॉम द चार्ज क्यू तो से जगह के पोटेंशियल हम से के क्यू बाई आर टू हम ठीक अच्छे। सेमती मुझ आर थ्री रेडियस आर फोर आर फाइव एमती डिफरेन्ट रेडियस मुझे डिफरेन्ट सरफेस ड्र करी स्फीयर ड्र करी तो मैंने आई कैन ड्र इनफाइनाइट नंबर ऑफ ईपीएस फॉर ए गिवन चार्ज गिवन पॉइंट चार्ज ठीक अच्छे। तो फर्स्ट पॉइंट मन रख कौन ना इलेक्ट्रिक सॉरी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ईपीएस द शेप ऑफ ईपीएस फॉर ए पॉइंट चार्ज इज इन द फॉर्म ऑफ कंसेंट्रिक स्फीयर्स तो मैंने डिफरेंट स्फीयर्स दे हैव डिफरेंट पोटेंशियल्स बट इफ आई चूज ए गिवेन स्फीयर सपोज मुझ फास्ट स्फीयर चूज कली ए फास्ट स्फीयर उपर सपोज ए पॉइंट नेली कि पॉइंट नेली ए पॉइंट ने पॉइंट ए आपको पॉइंट बी आपको पॉइंट सी कौन ए पॉइंट रहा पोटेनसीयल बी रे पोटेनसीयल सी रे पोटेनसीयल ए रहा कैसे भी ओन बी री ओन सी रि भी ओन जदि मुझ सरफेस नंबर टू रे पॉइंट चूज कर पॉइंट डी पॉइंट ई आ पॉइंट एफ एम चूज कर तो डी ई आउ एफ ए तीन टा पॉइंटर पोटेनसीयल सेम हम दैट इज भी टू किंतु ए रोटेनसीयल आउ डी पोटेनसीयल नॉट सेम बी पोटेंशियल एफ पोटेंशियल नॉट सेम दे डिफरेंट तो गोटे गिवेन सरफेस उपरे जो सब पॉइंट थी ऑल दोज पॉइंट्स हैव सेम पोटेंशियल बट व्हेन यू लुक एट टू डिफरेंट सरफेसेस देन द पॉइंट्स ऑन द टू सरफेसेस दे डोंट हैव द सेम पोटेंशियल ठीक अच्छे। तो जदि आम इलेक्ट्रिक फील्ड ड्र करवा दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स आम जाचे जे फॉर ए पॉजिटिव पॉइंट चार्ज द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स आर रेडियली आउटवर्ड एंड यू ऑल्सो नो दैट द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स आर परपेन्डिकुलर टू द ईपीएस तो जेहेतु आम जाचे रेडियस इज परपेन्डिकुलर टू द सरफेस ऑफ ए स्फीयर एंड ये ईपीएस केमती अच्छे स्फीयरिकल सरफेस अच्छी ठीक अच्छे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन हूँ एलंग द रेडियस एंड यू नो दैट रेडियस इज परपेन्डिकुलर टू स्फीयर तो अगेन ये कौन प्रूफ होगा जे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स आर परपेन्डिकुलर टू द ईपीएस तो ये तरह गोटे फिगर दे एनसीटी बुक्रे भी ये सब डायग्राम अच्छी। तापर आम देखिए कौन जदि आम पाखे गोटे डायपोल थी
ତାମାନେ ଆମ ପାଖରେ ଗୋଟେ ପଜିଟିଭ ଚାର୍ଜ ଏବଂ ନେଗେଟିଭ ଚାର୍ଜ ଅଛି, ଏ ପେୟାର ଅଫ୍ ପଜିଟିଭ ଆଣ୍ଡ ନେଗେଟିଭ ଚାର୍ଜ। ତ ସେଇ କେସ୍ରେ ଇପିଏସ୍ କେମିତି ଆସିବ? ଯଦି କେବଳ ଗୋଟିଏ ସିଙ୍ଗିଲ୍ ପଜିଟିଭ ଚାର୍ଜ ଥିବ ବା ଗୋଟେ ସିଙ୍ଗିଲ୍ ନେଗେଟିଭ ଚାର୍ଜ ଥିବ, ତାହେଲେ କେମିତି ଆସିବ? ଦ ଇପିଏସ୍ ୱିଲ୍ ବି ଇନ୍ ଦ ଫର୍ମ ଅଫ୍ କନ୍ସେଣ୍ଟ୍ରିକ୍ ସ୍ଫିୟର୍ସ। ଓକେ, ଏଇ ଯେଉଁ ଜିନିଷ ମନେ ରଖ, ଏବେ ଏ ମୁଁ ଯେଉଁ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଦେଲି, ଦିସ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଫର୍ ଏ ପଜିଟିଭ୍ ପଏଣ୍ଟ ଚାର୍ଜ। ବଟ୍ ଯଦି ଏକ୍ଜାମ୍ରେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆସିବ ଯେ ଡ୍ର ଇପିଏସ୍ ଫର୍ ଏ ନେଗେଟିଭ୍ ଚାର୍ଜ, ତ କ'ଣ କରିବ? ଦେଖ, ଚାର୍ଜ ପଜିଟିଭ୍ ହଉ କି ନେଗେଟିଭ୍ ହଉ, ଇପିଏସ୍ କେମିତି ଆସିବ? ଇପିଏସ୍ ଆସିବ କନ୍ସେଣ୍ଟ୍ରିକ୍ ସ୍ଫିୟର୍ ଆସିବ, ଠିକ୍ ଅଛି। ବଟ୍ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ଫିଲ୍ଡ ଲାଇନ୍ ଡ୍ର କରୁଛେ, ମନେ ରଖ, ଯଦି ପଜିଟିଭ୍ ପଏଣ୍ଟ ଆସିବ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ଫିଲ୍ଡ ଲାଇନ୍ ୱିଲ୍ ବି ରେଡିଲ୍ ଆଉଟୱାର୍ଡ଼। ବଟ୍ ଯଦି ନେଗେଟିଭ୍ ଚାର୍ଜ ଅଛି, ଦ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ଫିଲ୍ଡ ଲାଇନ୍ ୱିଲ୍ ବି ରେଡିଲ୍ ଇନୱାର୍ଡ଼, କେବଳ ଆରୋ ମାର୍କକୁ ଚେଞ୍ଜ କରିଦେବ, ବାକି ସବୁ ସେମ୍ ରହିବ, ଠିକ୍ ଅଛି। ଆମେ ସେ ସ୍ଫିୟରିକାଲ୍ ସେପ୍ରେ ହିଁ ପାଇବା, ସେଇଟା ପଜିଟିଭ୍ ଚାର୍ଜ ହଉ କି ନେଗେଟିଭ୍ ଚାର୍ଜ ହଉ। ବଟ୍ ଯେଉଁ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ଫିଲ୍ଡ ଲାଇନ୍ ଡ୍ର କରିବା, ସେଇଟା ଯଦି ପଜିଟିଭ୍ ଚାର୍ଜ ଥିବ ଇଟ୍ ୱିଲ୍ ବି ରେଡିଲ୍ ଆଉଟୱାର୍ଡ଼, ଯଦି ନେଗେଟିଭ୍ ଚାର୍ଜ ଥିବ ଇଟ୍ ୱିଲ୍ ବି ରେଡିଲ୍ ଇନୱାର୍ଡ଼, ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ନେକ୍ସଟ ଆମେ ଡ୍ର କରିବା ଫରେ ଡାଇପୋଲ, ତାମାନେ ଏ ପେୟାର ଅଫ୍ ପଜିଟିଭ୍ ଆଣ୍ଡ ନେଗେଟିଭ୍ ଚାର୍ଜ ହାଭିଂ ଦ ସେମ୍ ଭାଲ୍ୟୁ। ତ ଦେଖ ଏଠି, ଏବେ ଆମେ ଯଦି ୟୁପିଏସ୍ ଡ୍ର କରିବା, ଆମେ ଯେମିତି ପଢ଼ିଥିଲେ ଯେ ଦ ସେପାରେସନ୍ ବିଟୱିନ୍ ୟୁପିଏସ୍ ଇଜ୍ ସ୍ମଲ୍ ଇନ୍ ଦ ରିଜିନ୍ ଅଫ୍ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ଫିଲ୍ଡ ଆଣ୍ଡ ୱିକ୍ ଇନ୍ ଦ ରିଜିନ୍ ଅଫ୍ ଆଣ୍ଡ ମୋର୍ ଇନ୍ ଦ ରିଜିନ୍ ଅଫ୍ ୱିକ୍ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ଫିଲ୍ଡ। ତ ଯଦି ଆମେ ଗୋଟେ ଡାଇପୋଲ୍ କନ୍ସିଡ଼ର କରୁଛେ, ତ ଡାଇପୋଲ୍ର ଦେଖ ଯେଉଁ ଦୁଇଟା ଚାର୍ଜ ନେଇଛେ, ସେ ଦୁଇଟା ଚାର୍ଜ ମଝିରେ ଯଦି ଆମେ ଗୋଟେ ପଏଣ୍ଟ ଚୁଜ୍ କରେ, ସପୋଜ୍ ଏଠି ଗୋଟେ ପଏଣ୍ଟ ଚୁଜ୍ କଲି ଇନ୍ ବିଟୱିନ୍ ଦ ଟୁ ଚାର୍ଜେସ୍, ତ ଏଠି ଗୋଟେ ପଏଣ୍ଟ ଚୁଜ୍ କର, ଆକୁ ମୁଁ ଏ କହୁଛି, ଆଉ ଗୋଟେ ପଏଣ୍ଟ ଚୁଜ୍ କର ଲେଫ୍ଟ ଅଫ୍ ପଜିଟିଭ୍ ଚାର୍ଜ, ତାକୁ ମୁଁ ପଏଣ୍ଟ ବି କହିବି, ଆଉ ଗୋଟେ ଚୁଜ୍ କର ପଏଣ୍ଟ ଟୁ ଦ ରାଇଟ୍ ଅଫ୍ ନେଗେଟିଭ୍ ଚାର୍ଜ, ତାକୁ ମୁଁ ପଏଣ୍ଟ ସି କହିଲି। ତ ଏ ବି ସି ଏଇ ତିନିଟା ଯେଉଁ ଆମେ ପଏଣ୍ଟ ଚୁଜ୍ କଲେ, କାହିଁକି ଚୁଜ୍ କଲେ? ଦେଖ, ଯଦି ମୁଁ ପଚାରିବି ଯେ ଏଇ ତିନିଟା ପଏଣ୍ଟ ଭିତରୁ କେଉଁ ପଏଣ୍ଟରେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ଫିଲ୍ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଆସିବ, ତ ଦେଖ ଏଠି, ଯଦି ମୁଁ ପଏଣ୍ଟ ଏ ନେଉଛି ଇନ୍ ବିଟୁଇନ୍ ଦ ଟୁ ଚାର୍ଜେସ୍, ତ ପଏଣ୍ଟ ଏରେ ପଜିଟିଭ୍ ଚାର୍ଜ ପାଇଁ ଯେଉଁ ଫିଲ୍ ଆସିବ ଦ୍ୟାଟ୍ ୱିଲ୍ ବି ଆୱେ ଫ୍ରମ୍ ଇଟ୍, ନେଗେଟିଭ୍ ପାଇଁ ଯେଉଁ ଫିଲ୍ ଆସିବ ଦ୍ୟାଟ୍ ୱିଲ୍ ବି ଟୁୱାର୍ଡ଼ସ୍ ନେଗେଟିଭ୍ ଚାର୍ଜ, ଆଣ୍ଡ ଦ ଟୁ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ଫିଲ୍ସ ଆର୍ ଇନ୍ ଦ ସେମ୍ ଡାଇରେକ୍ସନ୍, ସୋ ସେମାନେ ଆଡ୍ ହୋଇଯିବେ। ବଟ୍ ଯଦି ଆମେ ସେ ଦୁଇଟା ଚାର୍ଜର ବାହାରେ ପଏଣ୍ଟ ନେଉଛେ, ମାନେ ଆଇଦର ଲେଫ୍ଟରେ କିମ୍ବା ରାଇଟ୍ରେ ପଏଣ୍ଟ ନେଉଛେ, ତ ଦେଖ ଆଟ୍ ଦ ପଏଣ୍ଟ ବି ପଜିଟିଭ୍ ଚାର୍ଜ ପାଇଁ ଫିଲ୍ କୁଆଡ଼େ ଯିବ, ଆଉ ଏ ନେଗେଟିଭ୍ ପାଇଁ କୁଆଡ଼େ ଆସିବ, ଟୁୱାର୍ଡ଼ସ୍ ଦେଖ ଅପୋଜିଟ୍ ହୋଇଗଲା, ତା ମାନେ କ'ଣ ହେବ? ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ଫିଲ୍ କ'ଣ କମିଯିବ, ସେଇଟା କ'ଣ ସବଟ୍ରାକ୍ଟ ହୋଇଯିବ। ସେମିତି ଆମେ ପଏଣ୍ଟ ସି ଦେଖିବା, ଫର୍ ଦ ପଜିଟିଭ୍ ଚାର୍ଜ, ଆଉ ଏ ଫର୍ ନେଗେଟିଭ୍ ଚାର୍ଜ, ଟୁୱାର୍ଡ଼ସ୍ ଏଗେନ୍ ଇନ୍ ଦ ଅପୋଜିଟ୍ ଡାଇରେକ୍ସନ୍, ତ ଏଠି କ'ଣ ହେବ? ଦ ନେଟ୍ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ଫିଲ୍ କେତେ ହୋଇଯିବ? E1 ମାଇନସ୍ E2 ହୋଇଗଲା। ବଟ୍ ଇନ୍ ବିଟୁଇନ୍ ଦ ଟୁ ଚାର୍ଜ ଯଦି ମୁଁ ଗୋଟେ ପଏଣ୍ଟ ନେବି, କ'ଣ ହେବ? E1 ପ୍ଲସ୍ E2 ଆସିବ। ତ ଏଇଟା କହିବାର କାରଣ କ'ଣ ନା, ମନେ ରଖ, ଯଦି ଆମେ ଗୋଟେ ଡାଇପୋଲ୍ ନେଉଛେ, ତ ସେ ଡାଇପୋଲ୍ର ଯେଉଁ ଦୁଇଟା ଚାର୍ଜ ଅଛି ତା ଭିତରେ ଯେଉଁ ସବୁ ପଏଣ୍ଟ ଥିବ, ଆଟ୍ ଦୋଜ୍ ପଏଣ୍ଟ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ଫିଲ୍ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ। ବଟ୍ ଯଦି ଆମେ ସେ ଦୁଇଟା ଚାର୍ଜର ବାହାରେ କିଛି ପଏଣ୍ଟ କନ୍ସିଡ଼ର କରୁଛେ, ଆଟ୍ ଦୋଜ୍ ପଏଣ୍ଟସ୍ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ଫିଲ୍ ୱିଲ୍ ବି ୱିକ୍, ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଏବେ ତମେ ଏଇ ଯେଉଁ ଡାଇଗ୍ରାମ୍ ଦେଖ, ଏଇ ଯେଉଁ ଡାଇଗ୍ରାମ୍ରେ କ'ଣ କରାହେଇଛି ନା, ୟୁପିଏସ୍ ଡ୍ର କରାହେଇଛି କାହା ପାଇଁ? ଫର୍ ଏ ଡାଇପୋଲ୍, ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଠି, ଏଠି ଯେଉଁ ସେମିତି ସ୍ଫେରିକାଲ୍ ସେପ୍ ଡ୍ର କରିଛି, ଦେଖ ଏବେ ମୁଁ କ'ଣ କରିବି, ୟୁପିଏସ୍ ଡ୍ର କରିବି ନିଜେ। ତ ଆମେ କ'ଣ ଜାଣିଛେ, ଫର୍ ଏ ପଏଣ୍ଟ ଚାର୍ଜ ଆମେ ସ୍ଫିୟର୍ ପାଇବା, ନୋ ଡାଉଟ୍ ଏବାଉଟ୍ ଦ୍ୟାଟ୍। ବଟ୍ ଆମେ ଯେଉଁ ସ୍ଫିୟର୍ ଡ୍ର କରୁଛେ, ସେ ସ୍ଫିୟର୍ରେ ଯେଉଁ ଗ୍ୟାପ୍ ଆସିବ, ଦ ଗ୍ୟାପ୍ ୱିଲ୍ ବି ଲେସ୍ ଇନ୍ ବିଟୁଇନ୍ ଦ ଟୁ ଚାର୍ଜେସ୍, ଆଣ୍ଡ ଦ ଗ୍ୟାପ୍ ଇଜ୍ ମୋର୍ ଆଉଟସାଇଡ଼ ଦ ଟୁ ଚାର୍ଜେସ୍। କାହିଁକି ନା, ଯେଉଁଠି ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ଫିଲ୍ ୱିକ୍ ଥିବ ଗ୍ୟାପ୍ ବଢ଼ିଯିବ, ଯଦି ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ଫିଲ୍ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଥିବ ଗ୍ୟାପ୍ କମିଯିବ। ଦେଖ ଏବେ ମୁଁ ଯେଉଁ ଗ୍ୟାପ୍ ସବୁ ନେଉଛି, ସେ ଗ୍ୟାପ୍ଟା ଦେଖ ଅଧିକ ରହୁଛି ବାହାରେ, ବଟ୍ ଇନ୍ ବିଟୁଇନ୍ ଦ ଟୁ ଚାର୍ଜେସ୍ ଦ ଗ୍ୟାପ୍ ଇଜ୍ ସ୍ମଲ୍। ସେମିତି ନେଗେଟିଭ୍ ପାଇଁ ବି ଡ୍ର କରିଦେବ, ଭିତରେ ଗ୍ୟାପ୍ କମ୍ କରିବ, ବାହାରେ ଗ୍ୟାପ୍ ଅଧିକ କରିବ, ଠିକ୍ ଅଛି। ସୋ ଦିସ୍ ଇଜ୍ ଦ ୟୁପିଏସ୍ ଫର୍ ଏ ଡାଇପୋଲ୍, ଠିକ୍ ଅଛି। ଏସବୁ ଡାଇଗ୍ରାମ୍ ବୁକ୍ରେ ଦେଇଛି, ସୋ ବୁକ୍ ଦେଖିକି ଭଲସେ ଡାଇଗ୍ରାମ୍ଟା ଡ୍ର କରିଦେବ, ଠିକ୍ ଅଛି। ଆଉ ଏଇସବୁ ଡାଇଗ୍ରାମ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ଆସେ। ତ ଏଇଟା ହେଉଛି ୟୁପିଏସ୍ର ଡାଇଗ୍ରାମ୍ ଆମେ କଲେ, ବାକି ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ଫିଲ୍ଡ ଲାଇନ୍ ଆମେ କେମିତି ଡ୍ର କରିବା, ଆମେ ଜାଣିଛେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ଫିଲ୍ଡ ଲାଇନ୍ କେମିତି ଯିବ ଫର୍ ଏ ଡାଇପୋଲ୍, ଏମିତି ଆସିବ ଫ୍ରମ୍ ପଜିଟିଭ୍ ଟୁ ନେଗେଟିଭ୍, ଠିକ୍ ଅଛି। ସୋ ଆମେ ତ ଅଲରେଡ଼ି ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ଫିଲ୍ଡ ଲାଇନ୍ ଡ୍ର କରିଥିଲେ, ବାକି ଆମେ ଖାଲି ଡ୍ର କଲେ କ'ଣ, ଦ ସେପ୍ ଅଫ୍ ୟୁପିଏସ୍, ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ମନେ ରଖିବ, ଯଦି ଡାଇପୋଲ୍ ଅଛି, ଦୁଇଟା ଚାର୍ଜର ଭିତରେ ଗ୍ୟାପ୍ କମିଯିବ, ଆଉ ଦୁଇଟା ଚାର୍ଜର ବାହାରେ ଗ୍ୟାପ୍ ବଢ଼ିଯିବ, ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ନେକ୍ସଟ ଆମେ କ'ଣ ଦେଖିବା, ଯଦି ଆମ ପାଖରେ ଥିବ ଟୁ ଲାଇକ୍ ଚାର୍ଜେସ୍,
बट टू पॉजिटिव चार्जेस तमने से केस रे में केमती ड्रॉ करबा ईपीएस देखो सपोज आम पाखे दुईटा पॉजिटिव चार्ज अच्छे ये गोटे पॉजिटिव चार्ज ये आ गए पॉजिटिव चार्ज अच्छे तो ये देखा आप ईपीएस केमती हे जमी आम कहले जदि डाइपोल नौचे सो दुईटा चार्ज रितर जो पॉइंट आसवि इलेक्ट्रिक फिल्ड स्ट्रंग रोचे एंड दुईटा चार्ज बाहर जो पॉइंट आसवि इलेक्ट्रिक फिल्ड विक् रोचे बट ये कौन देख इनकेस अफ टू पॉजिटिव चार्जेस यदि टू नेगेटिव चार्जेस ना जब मुझे गोटे पॉइंट चूज कली तो यही पॉइंट कौन हम इलेक्ट्रिक फिल्डा ये पॉजिटिव चार्ज पर आए जीव राइट रो अच्छे पॉजिटिव चार्ज ताप आए गला अपोजिट होगा तमें कौन हम ये सब्ट्रैक्ट हो बट जदि मुझे गोटे पॉइंट चूज करी अन् द लेफ्ट साइड तो कौन हम फर दिस् पॉजिटिव चार्ज आए फर दिस् पॉजिटिव चार्ज आए तो कौन हम ए जेटा आड हो बिकज दे आर इन द सेम डायरेक्शन सेमती एपटे गोटे पॉइंट चूज कर एगेन फर द लेफ्ट चार्ज आए फर द राइट चार्ज आए इन द सेम डायरेक्शन तो पुणी आड हो तो एम कौन शिखिले ना जदि आम पाखे गोटे पेयर अफ लाइक चार्जेस अच्छी पेयर अफ पॉजिटिव चार्ज अच्छी तो से दुईटा लाइक चार्ज रितर जो अच्छी पॉइंट से इलेक्ट्रिक फिल्ड विक् हो दुईटा लाइक चार्ज बाहर जो सब पॉइंट अच्छी से कौन इलेक्ट्रिक फिल्ड स्ट्रंग हो तो एबे आम जो ईपीएस ड्र करवा कौन करवा आम दुईटा चार्ज भितर कौन हम गैपटा बढ़ीज देख जो आम जो स्फेरिकल सरफेस ड्र करे से कौन हो दुईटा चार्ज भितर जो सब रीजन अच्छी से कौन हो देख गैपटा बढ़ी जाऊँ ठीक अच्छे लॉजिक सेम लॉजिक कौन ना इलेक्ट्रिक फिल्ड विक् मान गैप बढ़ीज इलेक्ट्रिक फिल्ड स्ट्रंग मान गैप कमीज तुम्हें से सेम लॉजिक अप्लाई करके आम ये कौन ईपीएस ड्र करे आउ इथि ये दुईटा लाइक चार्ज पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स केमती आसो टाइम अलरेडी ड्र करते ठीक अच्छे एमती सब आस दे विल एक्जर्ट लैटेराल प्रेसर अन् इच अदर व्हिच एक्सप्लेन्स द रिपल्सिव फोर्स बिटवीन टू लाइक चार्जेस ठीक अच्छे तो एमती सब फिगर ड्र कर एगेन ये फिगरटा भी बुक्रे यू कैन फॉलो योर बुक तापर देख नेक्स्ट आम कौन जी जदि गोटे यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड अच्छी तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को आम केमती शो करू ना इन द फॉर्म ऑफ पैरेलल एंड इक्विस्पेस्ड फील्ड लाइन देखो ये जो रेड कलर से लाइन ड्र कराई दीज आर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ कटा हो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स जदि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड थी ईपीएस केमती आसो पैरेलल प्लेन्स है तो एंड दिस प्लेन्स आर परपेंडिकुलर द सरफेस ऑफ द प्लेन इज परपेंडिकुलर द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आम जमी पढ़ते जे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स आर अलवेज परपेंडिकुलर टू ईपीएस तो ये कौन हो जो ईपीएस ड्र कर देख दिस ईपीएस आर इन द फॉर्म ऑफ पैरेलल प्लेन्स एंड अगेन द सरफेस ऑफ द ईपीएस इज परपेंडिकुलर टू द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ठीक अच्छे तो यही डिफरेंट टाइप ईपीएस अच्छी ओके सो यू क्वेश्चन एग्जाम आसे टू ड्र द ईपीएस सो यू हैव टू रिमेम्बर हाउ टू ड्र ईपीएस फॉर डिफरेंट टाइप ऑफ चार्ज सिस्टम सो स्टूडेंट्स आज आम कौन पढ़ले आज आम डिस्कस कले अबाउट ईपीएस तो आउ थे कहीदे ईपीएस मैंने कौन ना गोटे सरफेस जो सरफेस सब पॉइंट पोटेंशियल सेम थी तापर आम कौन पढ़ले फोर प्रॉपर्टीज ऑफ ईपीएस कौन कौन पढ़ले द फर्स्ट प्रॉपर्टी इज नो वर्क इज डन टू मूव ए पॉइंट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट ऑन एन ईपीएस सेकेंड प्रॉपर्टी आम कौन पढ़ले द सेकेंड प्रॉपर्टी इज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स आर ऑलवेज परपेंडिकुलर टू एन ईपीएस थर्ड प्रॉपर्टी कौन पड़े टू इक्विपोटेंशियल सरफेसेस कैन नेवर इंटरसेक्ट इच अदर द फोर्थ प्रॉपर्टी इज द सेपरेशन बिटवीन ईपीएस इज स्मॉल इन द रीजन ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड एंड द सेपरेशन इज मोर इन द रीजन ऑफ विक् इलेक्ट्रिक फील्ड एंड तापर आम कौन कले ना आम डिफरेंट टाइप ऑफ चार्ज सिस्टम पर आम ईपीएस ड्र कले फॉर ए पॉइंट चार्ज फॉर ए डाइपोल फॉर ए पेयर ऑफ लाइक चार्जेस एंड फॉर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड सो स्टूडेंट्स यहाँ गोटे इजी टॉपिक थिला आई होप दैट ऑल ऑफ यू हैव अंडरस्टूड ऑल द कॉन्सेप्ट्स बिहाइंड दिस टॉपिक बट स्टिल इफ यू हैव एनी काइंड ऑफ डाउट यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन तो पुणे में देखा हाँ नेक्स्ट वीडियो रे विथ ए न्यू टॉपिक सो टिल देन हैव ए नाइस डे एंड बाय बाय